हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित कुछ फार्मूला को जानेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं से जुड़े हुए सारे फार्मूला को देखेंगे जिससे आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सभी फार्मूला को अच्छे से याद कर ले, समझ ले, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह कोई परेशानी न हो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग आज का जो पहला फार्मूला होगा क्या होगा, हम लोग आज का पहला फार्मूला प्रथम एन सम संख्याओं का योग। यानी कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग निकाले, तो आप कैसे निकालेंगे, वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, तो एन इंटू एन प्लस वन। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में प्रश्न, क्या पूछ सकता है कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग निकाले, तो आप वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, एन स्क्वायर। यानी कि जब सम संख्याओं का योग पूछेगा तो क्या करेंगे आप, एन इंटू एन प्लस वन। और आपसे पूछ सकता है कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग निकाले, तो क्या करेंगे आप, वहाँ पे एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, एन तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या पूछ सकता है आपसे कि एन तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो हम लोग का क्या फॉर्मूला होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्या हुआ हम लोग का फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। यानी कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एन तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, तो आप वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है एन तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्या पूछ सकता है आपसे कि एन तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे आप वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस वन। आपका क्या फॉर्मूला होगा, एन बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस वन। ये आपका फॉर्मूला किसका होगा, एन तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है एन तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्या आपका फॉर्मूला होगा कि एन तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योग आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे कैसे, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे आप, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपका फार्मूला होगा, क्या होगा आपका नेक्स्ट फार्मूला, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है या पूछेगा कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाले, तो आप वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, वन बाई सिक्स इंटू एन। क्या होगा आपका फॉर्मूला, वन बाई सिक्स इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। आपका ये फॉर्मूला होगा, और ये फॉर्मूला किसका होगा आपका, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होगा। वन बाई सिक्स, क्या होगा आपका, वन बाई सिक्स इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होगा, ये आपका आखिरी फॉर्मूला होगा प्राकृतिक संख्याओं से जुड़ा हुआ। क्या होगा आपका फॉर्मूला, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। यानी आपसे पूछेगा अगर एग्जाम में प्रश्न में पूछ सकता है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालेंगे आप, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, वन बाई टू इंटू एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या होगा आपका फॉर्मूला, वन बाई टू इंटू एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आपके ये थे आज के फॉर्मूले। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।